बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अपने बहुत से व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं कि सर ये बता दें कि जो FIA में नैब कासिद की लिस्टें लग चुकी हुई हैं, जो लेटर्स कैंडिडेट्स को जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनको मिल गए हुए हैं, उसके बाद उनका आगे जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं, उसके बाद या उनका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, सर हमें प्लीज़ ये बता दें ज्वाइनिंग कब होगी। और साथ ही साथ आपको एक ये भी न्यूज़ देते चलेंगे, मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया और मुझे एक न्यूज़ सेंड की कि सर ये बताएं कि ये जो फिज़िकल 2022 में हमने अप्लाई किया था कांस्टेबल के सीट के लिए, LDC UDC के लिए, तो इनके जो टेस्ट हैं या फिर फिज़िकल टेस्ट हैं वो कब शुरू होंगे। ये हमने ये न्यूज़ देखी है, वो न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं और बता दें क्या ये न्यूज़ ठीक है, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो व्यूज़ सबसे पहले तो बात कर लेते हैं FIA नैब कासिद के नेक्स्ट प्रोसेस की। तो व्यूअर्स आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जब कैंडिडेट्स को उनके तकरीरी लेटर्स जारी किए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने साथ डेट भी दी हुई थी कि फलां फलां डेट को आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है और वही आपका जो है मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो उसके बाद अब नेक्स्ट उनके जो जॉइनिंग लेटर थी वो उन्होंने उधर ही शायद बता दिया हो उन्हें कि आपकी जब वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने गए होंगे कि आपने इस डेट को जॉइन करना है डिपार्टमेंट को। अभी तक वो डेट तो मेरे पास नहीं पहुंची जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता, ना ही मेरे कोई व्यूअर्स ने मुझे बताया, ना ही मुझे कोई ज़राए से ख़बर मिली है। तो उसके बाद बहुत से व्यूअर्स यही पूछ रहे थे कि नेक्स्ट प्रोसेस। तो व्यूज़ नेक्स्ट प्रोसेस यही था कि जॉइनिंग वाला जो आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसके बाद अपने बहुत से व्यूज़ ये भी पूछते हैं कि सर स्टाफ कार ड्राइवर्स की लिस्टिंग कब लगेंगी। तो व्यूअर्स अभी तक उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन या फिर कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आ जाती जो हकीकत में हो तो उस वक्त तक आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। उसके बाद अगला एक मैसेज जो मेरे व्यूअर्स ने मुझे सेंड किया वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स ये एक मुझे मैसेज आया, पूछा गया मुझसे सर कि हमने ये न्यूज़ सुनी है कि जिन लोगों ने 2022 में FIA के लिए अप्लाई किया था उनका फिज़िकल अब फरवरी 2024 के बाद होगा और फिज़िकल के 2 माह बाद तहरीरी इम्तिहान होगा। तो अपने ये एक व्यूअर ने पूछा कि सर क्या ये न्यूज़ सच है। तो व्यूअर सबसे पहले तो मैं आपको ये कन्फर्म कर दूँ कि ऐसा अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। इस बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ आएगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि हाँ, चूँकि अभी भी आपको पता है कि डिपार्टमेंट में जो नैब कासिद के तकरीरी लेटर्स हैं तकरीरी की जा रही है, उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी, फिर स्टाफ का ड्राइवर्स के आपको मालूम है कि इंटरव्यू हो चुके हैं, फिर बाद में उनकी लिस्टें तैयार की जाएंगी और बहुत से काम होते हैं डिपार्टमेंट को। हो सकता है कि वाकई 2024 में तो ज़रूर हो जाएंगे, चाहे वो फरवरी में हों, मार्च में हों या फिर जनवरी में हों, लेकिन होंगे ज़रूर। और ये बात है कि फिज़िकल के 2 माह बाद जो है वो तहरीरी इम्तिहान होता ही होता है। तो जब इस बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जो मैं आपको दिखाता, लेकिन ये बस अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि शायद फरवरी के 2024 में जो फिज़िकल टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाए। इस बारे में जब कोई न्यूज़ आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।